नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आशा करती हूँ जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभाने की जीत और कोशिश की जा रहे हो और हम हमारे साधना में परमेश्वर की कृपा से सफल रहेंगे। इसी शुभकामना के साथ चलिए आज शुरू करते हैं आज की कविता घास घास। लेखक श्री तीन कोड़ी पात्रो। तो चलिए शुरू करते हैं घास यानी कि घास। घास कि सिर्फ ही घास ही है क्या जो रहता है आसपास आंगन में खेत खलियान में चारों तरफ दिन प्रतिदिन 12 महीने। घास क्या सिर्फ घास ही होता है क्या जिसका कोई मांग नहीं है, जो बढ़ जाता है बहुत ही बिन आयास के अवहेला से, जिसको रखते हैं हम सारे नीचे पैरों के नीचे, जो जीवन श्रृंखल के एक अपरिहार्य अंश तो है लेकिन इस श्रृंखल के रहता है सबसे नीचे, जिसको हम पैरों से रोंगते हुए चले जाते हैं जिसको हम आघात करते हैं कोई ना कोई बहाना बना के, लेकिन वो सब कुछ सहता रहता है, मुंह बंद लेकिन सहता जाता है। हर बार वो सारे जो व्यथा है भूलकर, शत शत यातना को भूलकर, वो प्रतिघात प्रत्युत्तर देने को भूलकर सिर्फ आगे बढ़ने की पराकाष्ठा बनते हुए सिर्फ आगे ही बढ़ते जाना चाहता है। अमोग बोझ लेकर अस्थिर प्राण तब भी वो बिखेरते जाता है, हरियाली का आघ्राण एकदम चुप रह के ही अपने प्यार से सीमाहीन हरियाली भरे खेत खलियान से। कैसे देखो हम सब के लिए वो बांटता रहता है अकृत्रिम खिलखिलाता हुआ हंसी, धूप और छांव हर वेला, थोड़ी सी नाजुक सी वो छुहन से ही कहता है जैसे प्यार करता हूँ जीवन को, प्यार करता हूँ इंसानों को, बताता है कल्याण की इस व्रत में मैं हूँ अविराम, इस जीवन संग्राम में मैं प्यार करता हूँ धरती को, मैं प्यार करता हूँ धरती के सब कुछ, दिन रात मिट्टी नदी पहाड़ पानी, प्यार करता हूँ वो जो सफ़ेद बादल, प्यार करता हूँ वो जो सफ़ेद पंछी, और प्यार करता हूँ वो असीम नीला आसमान। ये जो घास है ये लोग इतना ही अबूझ है क्या? नहीं ना। तब वो लोग है कौन? वो लोग क्या सिर्फ एक नाम है घास, या घास सिर्फ घास? क्या पता। ये पता करने के लिए तो आत्ममंथन करने की ज़रूरत होती है, तभी तो जाकर हम आत्मा के आत्मीय हो पाते हैं। तो आज के लिए यहाँ तक ही। अच्छे से रहिए, खुश रहिए, शुभ मस्तु।